लिटरली मैं चीजों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे. मैं पूछ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं अनु अनु. मैं चीजों को उस टाइम पे समझना बंद कर दिया. मैं उस टाइम पे क्लियर हो गया कि अब भी तो गया. तो होप सो गाइस कि यहाँ तक आपको कोई भी अभी क्वेश्चंस नहीं होंगे. यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों आया था. तो हम लोगों का झगड़ा हो रहा था, सारी चीज़ें मैस्ड अप हो रही थी. मैंने सोचा थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं. तो मैं यहाँ पे आया. यहाँ पे आने के बाद जिस दिन मैं यहाँ पे आ रहा था, तो उस दिन क्या होता है कि जब मैं ट्रेन में था तो वही चीज़ें हैं यार, एक्सपेक्टेशन करके बैठना. और मैं बैठा हुआ था शायद से एक्सपेक्टेशन करके कि अनु अब मुझे एटलीस्ट एक बार ये कॉल तो करके पूछेगी कि मैं घर पहुँचा हूँ नहीं पहुँचा हूँ. होता है ना, बैठाल के तो वही गई थी ऑब्वियसली. तो एक बार होता है ना पूछना कि तुम पहुँच गए, तुमने कुछ खाया नहीं खाया, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था वो पूछेगी. अब वहाँ पे क्या होता है कि मैं अनु ने बोला था आते वक्त कि मैं सिर्फ तुम्हें वो जो हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने ये चीज़ बोला था कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाएंगे. तो अनु ने उस टाइम पे ही मुझसे ये क्लियर किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लिप्स भेजा करेगी, वो मुझे कॉल नहीं किया करेगी. अब वो चीज़ तो चलो हो गई. मैंने सोचा था एटलीस्ट मेरे घर पहुंचने तक उसका कॉल एक ना एक आएगा ये पूछने के लिए कि तुम पहुंचे नहीं पहुंचे, सब ठीक नहीं ठीक, ऐसा करके. बट उसका वो भी कॉल नहीं आया. तो इस पे मेरा गुस्सा और भड़क गया. कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा था. और अनु का हमेशा से एक चीज़ बोलने का है कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठा करो. पर इस चीज़ को जाने दो. मैं वो चीज़ मेरी गलती है. मैं लेके बैठा हुआ था एक्सपेक्टेशंस कि अनु मुझे कॉल करेगी. फिर क्या होता है, मैं घर पे आ जाता हूँ. घर पे आने के बाद मैं एक दिन रुक के मैं दूसरे दिन को अनु को कॉल करता हूँ. मैं अनु को कॉल करके बोलता हूँ, तुम्हारा एक बार भी मेरे पास कॉल नहीं आया अनु, क्या सीन चल रहा है, क्या हो गया है तुम्हें. बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था मैं क्लिप सेंड करूँगी, वो मैं कर रही हूँ, बट मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगी. मैंने सोचा चलो ठीक है, धीरे धीरे करके ही ठीक होगा सब कुछ, एकदम से तो होने का है नहीं. तो ये चीज़ हम लोगों का क्लियर आउट हो गया. फिर दो जितने दिन आप लोगों ने व्लॉग में देखा उतने दिन ही अनु के क्लिप्स आए थे मेरे पास, अदरवाइज मेरे उसके क्लिप्स आना बंद हो गए. फिर मैं उससे बोला कि मैं डेली डेली मैसेज कर देता था, अनु वीडियो सेंड कर दो, तो वो मुझे कर देती थी. फिर जब मैंने मैसेजेस करा उसके बाद तो उसने वीडियो सेंड करना बंद कर दिया. बोलती है कि ऐसा है कि जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें आर या पार वाली नहीं हो जाती, तब तक ये रहेगा कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँगी, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहूँगी. मैंने कहा चलो ठीक है. अनु ने उस दिन मुझसे पूछा था तुम्हारा क्या सीन है, तुम आने का सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो. मैंने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो अनु, मैं अपना लाइफ पे फोकस कर रहा हूँ अभी, तुम अपने लाइफ पे फोकस करो, मैं नहीं आ रहा हूँ. और मेरा उस टाइम पे सीन ये था, मैं सही बताता हूँ आप लोगों को, कि मैं अनु से बोल करके आया था कि अनु तुम आ जाना, जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा. ये चीज़ मैंने बोला था अनु से. और ये चीज़ पे उस दिन भी मैंने यही चीज़ बोला था अनु से कि जब तक तुम नहीं आओगी मैं तब तक नहीं आऊँगा घर पे. तो बोल रही है ठीक है तुम अपनी जिद में रहो, मैं नहीं आऊँगी. मैंने कहा, मैं उस दिन उस टाइम पे लाइटली ले रहा था इन सारी चीज़ों को. मैंने कहा कुछ भी हो यार, 6th of May हम दोनों का स्पेशल डे है, हम दोनों ही मिलेंगे यानी हाँ मुझे पता है अनु आएगी ही आएगी. वो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम के. फिर हमारा 2-3 दिन बात नहीं हुआ. जब तक मैं कॉल नहीं करता था अनु का फ़ोन नहीं आता था. फिर मैंने अनु का फ़ोन किया. मैंने कहा अनु लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर तो करो एटलीस्ट एक चीज़. तो कहे तुम्हारा घर है, तुम आज आ जाओ, तुम्हें रहना है तुम रहो, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगी. मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी है, बट मैंने जब बोली है एक चीज़ कि तुम एटलीस्ट आ जाओ, मैं तुम्हारे टिकट्स कराता हूँ, तुम आ जाओ एक बार. तो बोलती है मुझे आना ही नहीं है और मैं जॉब सर्च कर रही हूँ और मैं जॉब करूँगी अब. मैंने कहा छोड़ दो यार, देखेंगे क्या करती है ये. तो मैं ये चीज़ बोल के ना मैं हट गया. मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपना देखो फिर मैं अपना देखता हूँ, तुम जॉब सर्च कर रही हो तुम जॉब सर्च करो, मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ. अब फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने एक व्लॉग डाला था और मैं चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा था. मतलब किसी को भी, मैं खुद में क्लियर नहीं था तो मैं लोगों को क्या क्लियर करता. तो मैं चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा था उस दिन. पहली बार, मतलब जब से मैं आया हूँ एक ही बार अनु का कॉल आया, वो उस दिन आया.
और आने के बाद अनु कहती है ऐसा है तुम मुझे बताओ तुम्हें करना क्या है, तुम कुछ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, तो अगर कुछ भी नहीं है हम लोगों के बीच तो ये चीज सोशल मीडिया पे आके क्लियर कर दूं, मतलब कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया एंड ऑल, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आके क्लियर करो। मैंने कहा मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा, मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ। तो कह रहे किस चीज का वेट कर रहे हो, मैं कह रहा मैं अब किसी चीज का वेट कर रहा हूँ, मैं 6 मई को सारा सब कुछ क्लियर करूंगा, बट मैं अभी क्लियर कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को थोड़ा सा मैं खुद में भी संभलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ चीजों को, प्लस उन चीजों को टाइम देना चाहता हूँ। बिकॉज अगर मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं खुद नहीं समझूंगा, तो आगे जाके ऐसा ना हो कि मैं अपने, होता है ना इन फ्यूचर जाके मैं ये सोचूं कि यार अगर मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता खुद के लिए, सोशल मीडिया को बिल्कुल साइड करके अगर मैं खुद के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता तो शायद से ये चीजें नहीं होती। तो मैं वही टाइम ले रहा था अपने लिए उस टाइम पे कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं, क्या चीज को किस तरह से ठीक कर सकता हूँ, तो वो टाइम लेना चाहता था मैं। बट अनु एक कहीं ना कहीं जिद पकड़ के बैठी थी, जो भी है जल्दी से जल्दी क्लियर करो, और मैं क्लियर नहीं करना चाहता था वो चीजें वहां पे, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे क्लियर कर देता चीजें तो मैं आज की डेट में कुछ बोलने लायक नहीं रहता, और ये ट्रूथ है। अगर इन फ्यूचर जाके अगर मैं अगर चाहता भी ना कि मैं अनु से बात करूंगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंस्टेंटली अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप गुस्से में हो, तो गुस्से में खुद को शांत करके कहीं पे जाके बैठ जाओ भाई। गुस्से में आके तुम उस शख्स से भी बात मत करो, क्योंकि कुछ करोगे ना बड़ा बखेड़ा होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होगा और ज्यादा चीजें स्पॉइल होंगी। तो उस वक्त शांत रहो, भले ही आप किसी एकांत जगह पे जाके बैठ जाओ, अकेले रहो कुछ टाइम तक, या जो खुद जो करना चाहते हो वो करो, बट एटलीस्ट उस वक्त उस गुस्से के वक्त पे शांत रहो खुद को। तो मैं अभी वही कर रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ तक तो मेरी सारी चीजें क्लियर हो गया था कि हाँ अभी मुझे शांत रहना है, अभी किसी को कुछ भी सॉर्ट, अभी किसी को कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच वाली कहानी थी। मुझे अनु ने बोल तो दिया था कि वो नहीं आएगी, वो ये है वो है, बट अनु का दीदी से बात हुआ था मेरी, और दीदी से अनु ने बोला था मैं 1 तारीख के आसपास आऊंगी, दीदी से, और दीदी ने बता दिया मुझे कि हाँ अनु मुझसे बोल रही थी कि, क्योंकि एक पार्सल था जो कि दीदी का था और वो वहां पे अटका हुआ था, तो अनु ने ये बोला था दीदी मैं 1 तारीख को जब आऊंगी तो मैं आपका पार्सल लेती आऊंगी, क्या मैं आप पार्सल में भी वो करूं, मैं जब आऊंगी तो मैं लेती आऊंगी और पार्सल पहुंचने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं लेती आऊंगी। तो ये बात होती है उन लोगों की, तो ये बात मुझे दीदी बता देती है। अब मैं बिल्कुल श्योर था कि हाँ अनु आएगी ही आएगी, वो मुझसे झूठ बोल रही है ताकि यू नो मेरे दिल में थोड़ा सा और ज्यादा वो हो, इस वजह से वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैं वहां पे श्योरिटी पकड़ लिया कि अनु आएगी, बस मुझसे गुस्से की वजह से हम दोनों का थोड़ा झगड़ा चल रहा है, उन सारी वजहों से अनु ऐसे करके कर रही है। तो मैं इतना आराम से सही, मैंने कहा चलो करने दो उसको। अब क्या होता है इस बीच में हम लोगों का बात होता है, मैंने कॉल करा उसको, हम लोगों का बात होता है। हम लोगों का बात होने में क्या रहता है गाइस कि जब जब हमारा बात हो रहा था ना, जब जब मैं कॉल कर रहा था ना अनु को, अनु और मुझ में बात सिर्फ बात नहीं हो रहा था, हम लोगों में लिटरली झगड़ा हो रहा था। जब जब हम कॉल पे बात कर रहे थे तब तब हमारा झगड़ा हो रहा था। फिर से हम लोगों में क्या हो रहा था, मैं स्पेशली मैं ये कर रहा था कि मैं अनु की चीजें समझने की बजाय मैं उसको वही पुरानी चीजों पे लेकर जा रहा था कि तुमने ये करा है मेरे साथ, तुम मुझे छोड़ के अपनी मम्मी के घर पे जाके बैठ जाती थी, मैं अकेला हो जाता था और ये है वो है। मतलब हम लोगों ने चीजें सॉर्ट आउट करने की जगह मैंने क्या किया, मैं उन चीज को और ज्यादा वो करता रहा। लाइक होता है ना कि चीजों को और ज्यादा बिगाड़ता रहा, बिगाड़ना इन द सेंस कि ठीक है चीजें सुधारने के लिए हम लोगों को और कोई बात करना चाहिए था, हम लोगों को और किसी, या फिर उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए था। मैं बोल रहा था और अगेन एंड अगेन मैं वही चीज बोल रहा था अनु से। मतलब एक बात हुई आज हुई सेम चीज, सारी चीजें मैंने उसको अपनी मुझे क्या क्या चीज प्रॉब्लम कर रही थी, क्या चीज प्रॉब्लम है मेरे लिए, मैंने वो सारी अनु को बताई। फिर अगर मैंने 2 दिन बाद कॉल किया फिर मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि तुमने ये किया तुमने वो किया, वो भी सेम चीज कि तुमने भी तो ये किया है वो किया। तो हम लोग ना ऐसे के वाला झगड़ रहे थे, मतलब हम लोग ये नहीं कर रहे थे कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ के सॉर्ट आउट करें, हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स में और ज्यादा लड़ रहे थे।
फिर क्या होता है, फिर हम लोगों का ये मेस्ड अप हो रहा था बहुत ज्यादा, मैंने कॉल करना फिर बंद कर दिया। मैंने कॉल करना बंद किया 29th अप्रैल को मैंने अनु को कॉल किया, वही दीदी वाले पार्सल के लिए। मैंने कहा अनु दीदी का पार्सल तुमने कोरियर किया नहीं किया। एक्चुअल में वो कोरियर का सीन नहीं था, मैं बता दूं मैं उसको कॉल क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था अगर अनु इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर अनु कोरियर कर देती है इसका मतलब है अनु आएगी नहीं। बट अगर अनु ने कोरियर नहीं किया है तो मतलब 110% श्योर हूँ मैं कि अनु आएगी या आएगी वो पार्सल लेकर के। तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ पार्सल का पूछता था अनु से, अनु तुमने कोरियर किया पार्सल, ये तुमने कोरियर किया। अच्छा उन दिनों मैंने जैसे कि ब्लॉग्स में ही बोला था मेरे को कपड़ों का बहुत इशू हो रहा था उस टाइम पे, तो मैं ये भी बोला था मेरे भी कुछ कपड़े पार्सल कर देना, क्योंकि हम लोगों का यही हो रहा था मैं नहीं रहूंगा साथ में तुम्हारे, तो मैं भी नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, ऐसा करके हम लोगों में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि हम लोगों का अब फिर प्लान नहीं था कि हम लोग साथ में रहेंगे, ऐसा था हम लोगों का कोई सीन नहीं था उस टाइम पे। ये सोच रहे थे हम दोनों कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा वो मेरे साथ नहीं रहेगी, ऐसा करके था। तो मैंने अनु से उसी टाइम पे कोरियर का भी बोला था कि मैं अनु दीदी का कोरियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कंफर्म होना था कि अनु आएगी या नहीं आएगी। अनु ने उस टाइम पे मुझसे बोला नहीं अभी मैंने नहीं किया है, कल को मैं जाके मैं कर दूंगी कोरियर। मैंने 28 को अनु को कॉल किया था और फिर मैंने कॉल किया उसको 30 और 29 में ऐसी कुछ को मैंने फिर कॉल किया अनु को। फिर मैंने किया, मैंने ये पूछा कि अनु कोरियर हो गया नहीं हो गया, अब मुझे तो कंफर्म होना था क्योंकि 1 तारीख आने वाला था। मैंने ये सोचा था कि अगर अनु आती है 6 तक आती है तो ठीक है, अगर वो 6 तक मुझे ये फील, अगर 6 तक वो नहीं आती है तो मैं खुद चला जाऊंगा सिलीगुड़ी, मैंने ये सोचा था। अब सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि मेरे लिए यार कहीं ना यार ये जो कुछ स्पेशल डेज होते हैं ना वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ रिश्ता भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने सोच रखा था अगर मुझे अगर मैं 1 तारीख तक ये कन्फर्म हो जाता हूँ अनु नहीं आएगी या जो भी सीन होगा या ज़्यादा ही गुस्सा होगा, तो क्योंकि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था पर पता नहीं क्यों वो गुस्सा होके बैठी थी। ओबिन फिर मुझे समझ में आया अनु का गुस्सा क्यों है। अनु का गुस्सा था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आ गया था, मैं सिचुएशन को समझ तो रहा था पर फिर भी मैं आ गया था। और अनु के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि हम लोगों का खुद का घर नहीं है, हम लोग रेंटल रहते हैं, अनु के दिमाग में वो सारी चीज़ें भी चल रही थी कि उसको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था अब, और मैंने उसकी नज़र में मैं आने वाला नहीं था, वो चीज़ें चल रही थी अनु के दिमाग में, प्लस स्नूपी भी है राज भी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके माइंड में चल रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो जॉब भी सर्च कर रही थी। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं चला जाऊँगा। फिर मैं क्या करता हूँ, 29th को और 30 को मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं कॉल करता हूँ अनु को, मैं पूछता हूँ कि तुम कब तक आ रहे हो, तुमने कोरियर किया नहीं किया और क्या सीन है। उस दिन अनु मुझे बोलती है ऐसा है मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने कोरियर कर दिया है, वो 3-4 दिन 5-6 दिन में पहुँच जाएगा। दीदी का जो कोरियर था थोड़ा सा सामान था एक्सटेंशन का, तो वो कोरियर था वो कर दिया है, दीदी तक पहुँच जाएगा और मैं नहीं आ रही हूँ। उस दिन मैं कन्फर्म हो गया अनु नहीं आएगी। अब सडनली अनु क्या बोलती है, और दूसरी चीज़ मैं सिलीगुड़ी में नहीं हूँ, मैं चेन्नई में हूँ। आई वॉज शॉक्ड यार, लिटरली उस टाइम पे ना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, कह रही हाँ मैं चेन्नई में हूँ। मुझे 2 मिनट तक मुझे ये लगा कि ये झूठ बोल रही है और ये यहाँ पे ही आ रही है, और भगवान कसम मुझे यही लगा। मैं सोच रहा था ये झूठ बोल रही है 110%, ये यहाँ पे आ रही है इसलिए मुझे सरप्राइज देगी, इसलिए ऐसा करके बोल रही है क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है फ़ोन रखो। मैंने फ़ोन कट किया अनु का तुरंत। फ़ोन कट करते ही मैंने राज को कॉल किया। मैंने कहा राज, बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ पर है, मैंने कहा बोलता डेबीडंगा। फिर मैं पूछता अनु कहाँ है। उस टाइम पे राज मुझे बोलता है मम्मी तो चली गई, 29th को ही चली गई। मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में।
लिटरली मैं चीजों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे. मैं पूछ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, अनु 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 चली गई? कह रहा हाँ मम्मी चली गई. मैंने कहा अनु चली गई वहां पे, चेन्नई चली गई? बोलता है हाँ वो चली गई, 29th को ही उसका फ्लाइट था और वो चली गई. मैं उस टाइम पे शॉक्ड यार. मैंने तुरंत अनु को कॉल किया, मैंने कहा क्या कर रही हो, कहाँ पे हो? कह रही मैं चेन्नई में हूँ, सलून में हूँ. मैं चीजों को उस टाइम पे समझना बंद कर दिया. मैं उस टाइम पे क्लियर हो गया कि अब भी तो गया, अब भी तो हम साथ हो ही नहीं सकते, अभी तो सब खराब हो गया क्योंकि अनु चली गई. फिर मेरे दिमाग में आता है जैसे अनु गई वैसे तो मैं भी आ गया था ना, पर मैं आया था अपने घर पे, अनु चली गई थी जॉब पे और अनु फिक्स है. और ये चीज ट्रू हो गया, अनु चेन्नई में है अभी गाइस, अनु सिलीगुड़ी में नहीं है. और जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों क्या हो गया है, तो भाई जब मेरी बीवी ही नहीं उस घर में तो मैं जाके करूँगा क्या? जब वो ही नहीं उस घर में तो मैं जाऊँगा किसके लिए? मैं सिलीगुड़ी में था बिकॉज ऑफ अनु, मैं दिल्ली में था बिकॉज ऑफ अनु, मैं कहीं, मैं तिरुपति भी जिस टाइम पे मैंने पहली बार अपना 2000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था ना, सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए किया था. अब जब वो नहीं है तो मैं जाऊँ क्या सी किसके लिए, क्यों जाऊँ मैं? उसके बाद भी अनु से मेरा बात हुआ. उसके बाद अनु कहती है तुम्हारा घर है, तुम्हारा जब मर्जी हो तुम जा सकते हो सिलीगुड़ी. क्या घर? घर होता है घरवाली से. सब मेजरअप हो चुका है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. फिर हम लोगों का उसके बाद बात होता है, मैं कॉल करता हूँ, मैंने किया तुमने क्या कर दिया अनु, गुस्से में. तो फिर अनु बोलती है तुम भी तो चले गए थे, तुम भी तो मुझे छोड़ के चले गए थे गुस्से में. मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं गया था अनु, मैं बस चला गया था क्योंकि मुझसे कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी जो मैंने तुम्हें बताई थी. हाँ तो बोलती है जो होना तो हो गया, अब तुम अपनी लाइफ देखो मैं अपनी लाइफ देखती हूँ. ये सारी बातें हमारी एक तारीख के बाद होती हैं. फिर आता है कहानी में ट्विस्ट. अब वो ट्विस्ट क्या है, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है? ट्विस्ट बताऊंगा ज़रूर कल को.